दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो डॉक्टर उदित राज हैं, जिन जो परिसंघ चलाते हैं, एक उनके एक दो दिवसीय बैठक है, वो सांसद भी रहे हैं, IRS से आंदोलन भी चल रहा है, वहाँ काफी संख्या में लोग आए हैं, उनसे बात भी करेंगे और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पहली, और लोगों से बात कराने की कोशिश करेंगे। बैठक हो रही है, देश भर से लोग इसमें आए हुए हैं और डॉक्टर उदित राज होंगे मेरे साथ, और शाम में कई बड़े वक्ता हैं, कई बड़े वक्ता जो हैं वो आने वाले हैं। तो ये उदित राज जी हैं। सर, आज जो दो दिनों का ये जो अधिवेशन है, उसमें आज आपके अलावा और कौन कौन लोग वक्ता होंगे? आप प्रोफेसर रतनलाल जी होंगे, शंभू कुमार जी होंगे और दिलीप मंडल जी भी इन वक्ताओं के लिए रखा है। कुछ और लोग भी आए हैं, अभी हमारे समाज के प्रखर बुद्धिजीवी एचएल दुसाद जी भी हैं, इनकी बात को भी लोग सुनेंगे। तो देश भर से लोग आए हैं सर, क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि बहुत संख्या में लोग आए और कोई बड़ा प्लान होगा, यहाँ से कोई बड़ी रणनीति तय होगी? समाज सोया हुआ है, ये समझ में बात नहीं आ रही है, और दिल्ली और आसपास के लोगों में ज़्यादा ही सुप्तता की अवस्था है, उनसे ज़्यादा उम्मीद करी थी आने का, लेकिन उस मात्रा में आए नहीं। हॉल तो नीचे तो हॉल भरा हुआ है। हॉल भरा हुआ है, लेकिन दिल्ली के लोगों की उपस्थिति बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो अगर आप भी, शुक्रिया सर, हम पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे आपको, दो दिनों तक लगातार लाइव रहेंगे, आप पूरी बातचीत, जितने भी वक्ता आएंगे, किस तरह से बहुजन रणनीति तय होगी, किस तरह से बैलेट पेपर कलम से सरकारी कंपनियों की बिक्री पर रोक, EVM से नहीं, दलित अल्पसंख्यक पर अत्याचारों को सोशल मीडिया क्यों जरूरी, इसको लेकर दिवसीय धरना है और परिसर को लेकर है, और काफी संख्या में जो है लोग यहां आए हैं, देश भर से लोग आए हैं। मैं आपको पहली तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह से जो लोग हैं यहां जमा हुए हैं, और जो डॉक्टर उदित राज हैं, ये देखिए, तो ये पहली तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देश भर से लोग यहाँ जमा हुए हैं। हालात चाहे जितने भी खराब हो, लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो ये तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ आपको दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। तो ये पहली तस्वीर है, और उसके बाद पहला सेशन था, उसके बाद लोग लगातार अपनी बातों को रखेंगे, और राजनीतिक स्तर पर गिरावट आई है। भारतीय समाज में और व्यवस्था के आधार पर हम चौथे श्रेणी सूत्र में आते हैं। तो ये पहली तस्वीर है और इसमें दिखा रहा हूँ, और देश भर से लोग जो हैं वो जमा हुए हैं। टेलीविजन अखबार आपको नहीं दिखाएगा, बहुजन आंदोलन जो होता है उसको इसी तरह से आपको बैठ के भी करनी पड़ेगी, दिखाना भी पड़ेगा। तो जो कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ आए हैं, और लगातार आंदोलन जो है वो चल रहा है, और आज पहला दिन है, फर्स्ट सेशन है, उसके बाद से लगातार लोग अपनी बात रखेंगे। जो भी यहाँ बातचीत होगी वो कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। तो दिल्ली के मावलंकर हॉल में प्रोग्राम हो रहा है और देश भर से लोग आए हुए हैं। जी, पहले कुछ तस्वीरें भी दिखा दे रहा हूँ लोगों से। सरकार का कोई ध्यान नहीं होता, हमारे लिए बेहतर योगपूर्ण शिक्षा का दरवाजा आज भी बंद है। केंद्र एवं राज्यों का आंकड़ा निकाला जाए तो ब्राह्मणों की 3% हॉल है जहाँ लोग आए हैं, देश भर से लोग आए हैं। कहाँ से आए भैया? मैं सर पाली, राजस्थान से। राजस्थान से, तो आप सरकारी कर्मचारी हैं, क्या लगता है, हालात बहुत बिगड़ रहे हैं? बिल्कुल सर, देश पता नहीं किस तरफ जा रहा है, देश में बहुत बड़ा उथल पुथल हो रहा है, विशेष तौर पर जो दलित और पिछड़े वर्ग बहुजन लोग हैं, उनके नौकरी साथ जाने का खतरा भी होता रहा है। हाँ सर, उनके साथ बहुत अत्याचार भी हो रहे हैं, और हर क्षेत्र में उनके जो हक और अधिकार है उनसे छीने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कुछ बदलाव होना बहुत जरूरी है। हम राजस्थान से आए हैं, पाली मारवाड़ से, दलितों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए, विशेष तौर राजस्थान में महिलाओं के साथ में तो वो अत्याचार हो रहे हैं कि घर से मतलब रेप कांड हो रहे हैं दिनों दिन दहाड़े, मतलब। तो ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, कोई ध्यान नहीं दे रही,
ध्यान नहीं दे रहे, तो लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार बदलाव की प्रक्रिया है। क्या लग रहा है, ये जो जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो एकदम पॉलिटिकल हाशिए पर चले गए हैं इस सरकार की वजह से? देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की है और एक षड्यंत्रकारी राजनीति की शुरुआत की है, और इसको समझने की जरूरत है, खासतौर से जो एससी एसटी और ओबीसी के लोग हैं उनको, उनकी नीतियाँ क्या है, इनकी विचारधारा क्या है। आरक्षण पे हमला है, उनके अधिकारों पे हमला है, शिक्षा का जो केंद्र है वो एक तरीके से एकदम ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है, और कहीं भी हम समझते हैं एस सी एस टी और ओबीसी के अधिकारों को प्राथमिकता नहीं देने का पूरा जो एक षड्यंत्रकारी साजिश बीजेपी और आरएसएस के चल रहा है, इसको हमें समझने की जरूरत है। देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको जिसमें एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो देश भर से आए हुए हैं और दो दिनों का एक विचार मंथन है और पूरा मावलंकर हॉल का जो निचला फ्लोर है वो पूरा भरा हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। उदित राज जो हैं इस प्रसंग के अध्यक्ष हैं, और सरकारी कंपनियों की बिक्री पर रोक, खाली पदों पर भर्ती, ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से मतदान, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर रोक, इसको लेकर वो एक बैठक कर रहे हैं। मंच पर वो हैं, खुद उनसे भी बात करेंगे। तो ये आपको पहली तस्वीरें दिखा रहा था, पेपर का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो या आरक्षण का मुद्दा हो, उस पर बात होगी, हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। एच एल दुसाद जी, आपका स्पीच भी हम दिखाएंगे देश भर को। बस एक प्रतिक्रिया चाहते हैं कि एक डर है लोगों में, नई सरकार अभी एक महीना हुआ है, उदित राज जी पहले खुद बीजेपी में थे, एक डर है लोगों में? बिल्कुल, समाज डरा हुआ है, समाज स्तब्ध है और फिलहाल जो है कुछ योजना बनाने की स्थिति में नहीं, वॉच कर रहे हैं, वेट एंड सी क्या स्थितियां जो है करवट लेती हैं आगामी 2-3 महीने में। मैं खुद अपनी बात कहूँ, आप जानते हैं कि मैं लेखन में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं कुछ भी लिख नहीं पाया, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, इतना मैं जो है डर की स्थिति तमाम एक्टिविस्टों की। तो उसके अलावा, इन सब के अलावा भी सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, तो हालात जरूर बदतर हुए हैं, लोग डरे सहमे हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, एक्टिविज्म में हैं, तो आज शाम 3 बजे से लेके और कल शाम 8 बजे तक लगातार यहाँ तमाम जो बहुजन आइडियोलॉजी के लोग हैं उनकी बातें सुन सकते हैं। और आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में जरूर आइए और इस आंदोलन के भागीदार बनिए। समू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।